जो है अक्षांश रेखा, जिसे इंग्लिश में भैया ना कहा था लेटीट्यूड लाइन, क्या कहते हैं लेटीट्यूड लाइन। ये रेखा जो है जैसे पृथ्वी होती, पृथ्वी अपनी क्या है गोल है, और गोल का है थोड़ा खड़बिहड़ है भैया, ये तो खाली देखा था लेकिन थोड़ा खड़बिहड़ है, और खड़बिहड़ है ही नाते का कहा था जीवेड कहा था, कब कहा था जीवेड कहा था ना बाबू, तो जीवेड कहा था। और एक बीचों बीच जो रेखा खींच गया है उसका कहा था देशांतर रेखा, कौनी तरफ से पूर्व पश्चिम है, पूर्व है, पूर्व से या तो पूर्व से पश्चिम की तरफ या तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची गई है उसे कहते हैं अक्षांतर रेखा, अक्षांश रेखा। अब देखिए ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गई है और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का कोणीय माप बताती है उसे क्या कहते हैं, उसे भैया कहा था अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देखो यही है अक्षांश रेखा, जीरो अक्ष अक्षांश, जीरो अक्ष अक्षांश। ये जब बीचों बीच पृथ्वी की खींची गई तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर को कहते हैं उत्तर और नीचे को कहते हैं दक्षिण, क्या कहते हैं दक्षिण। इसे ही विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा, इसे ही जीरो लाइन, तीन नामों से जाना जाता है, तीन नामों से या तीन नामों जान जाते हैं। जो है एक अंश हुआ था, एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा जो इसके लिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के हर डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, हर डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, ऐसे ऐसे गई है, तो ऊपर 89 रेखा और नीचे 89 रेखा, कुल मिला के टोटल 180 रेखा हो जाएंगे। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितना होता है, एक रेखा के मध्य के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, कितना 111.32 किलोमीटर। देखेंगे मापन जो है, इस रेखा का मापन जो है अंश मिनट सेकंड द्वारा किया जाता है, पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है कौन अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 180, कितना है 180 है, कितना है 180। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ है भारत, देखो भारत उत्तरी गोलार्ध में, इस गोलार्ध में स्थित है भारत, यहाँ पर कर्क रेखा पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भैया ग्लोब पर जो बीचों बीच खींची गई रेखा इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, इसके समांतर ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी कई रेखाएं गई हैं, कई रेखाएं गई हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, कहां उत्तरी गोलार्ध में, यह है जो है गोलार्ध का निर्माण करता कौन सी रेखा अक्षांश रेखा, तो भारत किस रेखा में उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 अक्षांश अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, कौन सी रेखा कर्क रेखा, और जो जीरो अक्ष पे है उसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जीरो लाइन कहते हैं। उसके बाद 23.5 अक्षांश पर है मकर रेखा जो साउथ में है दक्षिण में, ठीक है आगे देखेंगे। कर्क रेखा पर भारत के आठ राज्य, कर्क रेखा पर भारत के आठ राज्य हैं, पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अगला देखेंगे दोस्तों देशांतर रेखा, ये हो गया, ये हो गया अक्षांश रेखा, आप देखेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, ये जो उत्तरी ध्रुव ये दो ध्रुव है इनको किस ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, इसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, लेकिन ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा, किस तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। ये क्या करता है, ये जो है विश्व के, ये विश्व के 24 टाइम जोन में विश्व को बांट देता है, इसे प्रधान एमावत्तर रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रधान एमावत्तर रेखा भी कहते हैं। इन रेखाओं की संख्या, इन रेखाओं की संख्या जो है, ये जो रेखाएं होती हैं इन रेखाओं की संख्या ऐसे है ग्लोब पर ना, पृथ्वी पर ऐसे रेखाएं ये हैं, इन रेखाओं की संख्या 360 है, 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए एक घंटा में 15 डिग्री चलती है,
और एक अंश में 111 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर चलती है। एक अंश चलने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात अगर यहां से यहां पर जाएगी तो 111 किलोमीटर होगा, लेकिन 111 किलोमीटर को चलने में 4 मिनट लगेगा। भैया आगे देखिए, ये जो रेखा है ये दो बराबर भागों में पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर बनाती है, पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर बनाती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, शहर से केंद्र बनाती है। तो ये रेखा जो है ना, यह रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर या जाकर केंद्र बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी भारतीय समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय जो जीएमटी का समय है वो भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। भारत का आईएसटी समय मानक रेखा 82.5 अंश है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है और यह केंद्र बनाता है प्रयागराज के नैनी ब्रिज से। केंद्र बनाता है, 5 राज्यों से होकर जाता है। देखेंगे कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका एक ट्रिक है, उमा एसी चलते उड़ गई। देखिए ग्रीनविच जो है इसे जीएमटी से पूर्व जाने पर, ग्रीनविच मतलब अगर जीएमटी से आप यहां जीएमटी से पूर्व जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम जाएंगे तो क्या होगा, समय घटेगा। पूर्व जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में स्थित है और पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी गोला पूर्व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो समय रेखा है 82.5 अंश, उस पर एक नेशनल हाईवे, जो सबसे बड़ा नेशनल, उस रेखा पर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है NH7। तो देखेंगे हम आगे कि अभी तो देखो भैया अभी तक जो है उत्तर प्रदेश पेट UP SSSC पेट जो 28-29 को होने जा रही है, उसमें अभी तक इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल 3 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्या है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से जीएमटी से कितना आगे? तो भैया कितना आगे, अभी हमने बताया कितना आगे है, 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा कितना है आगे है। तो देखिए लिखा है जीएमटी का पूर्ण रूप, मतलब जीएमटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, मतलब फुल फॉर्म ग्रीनविच। ये 16 अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है। अगला देखिए, विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया? तो हमने यहां बताया था विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और अभी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, अब वो पूछ रहा है, और हो सकता है इस बार पेट में आ ही जाए, हो सकता है इस बार पेट में आ ही जाए। क्या चल रहा है? अगर जीएमटी पर 12 बजे हैं सुबह दिन में, 12 बजे हैं दिन में, तो 30 अंश पूर्व चलने पर, 30 अंश पूर्व चलने पर, पूर्व चलने पर समय क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिया रहेगा, तीन, हाँ तो अगर 30 अंश पूर्व चलने पर कितना समय, हमने कहा कि पूर्व जाने पर क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो यहां अगर 12 बज रहा है ग्रीनविच पर, तो 30 अंश पूर्व चलने पर 30 अंश, और 1 मिनट में, 1 अंश पे कितने मिनट, 4 मिनट, 1 अंश में कितने मिनट, 4 मिनट। तो 1 अंश में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 = 120 मिनट। कितना होगा? 120 मिनट। और 120 मिनट को भाग दे देंगे किससे, 60 से। कितना आ जाएगा? 2 घंटा। 2 घंटा आगे जोड़ देंगे,
12 से कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, तो 12 से कितना हो जाएगा, 2 पीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पीएम। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और देखते रहिए अगला पार्ट कल आएंगे। जय हिंद।